come in. अरे आ गई. मेरे लिए दो मिनट के लिए वेट नहीं कर सकते थे? आ रही थी ना मैं. हाँ लेकिन वो अमीन. अमी अमी क्या? नहीं कुछ नहीं. वो अगर मैं निकल गया था तो फोन कर देती. मैं यू टर्न लेकर वापस तुम्हें लेने आ जाता. तुम चले गए तो मैंने सोचा मैं घर का काम निपटा लूं. ओह आई एम सॉरी मिसेस मेहता, आपको अकेले आना पड़ा लेकिन उसमें लॉस मेरा हो गया. वैसे बताइए, हुकुम कीजिए, आपकी खिदमत में क्या पेश किया जाए? हुकुम नहीं, छोटी सी अर्जी है. मेरा लीव एप्लीकेशन मंजूर कर दीजिए प्लीज. वेल बॉस होने के नाते फर्ज कीजिए अगर मैं इसे ना मंजूर कर दूं तो मैं नौकरी छोड़ दूंगी. ओ मिसेस मेहता प्लीज ऐसा मत करना, हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, हम पर जुल्म हो जाएगा, बर्दाश्त नहीं होगा हमसे. तो मैं आपकी छुट्टी मंजूर कर देता हूं, बशर्त है, शर्त यह है कि जब आप घर पे होंगे तो अपना सारा वक्त अपने पति के साथ बिताएंगे. आप मेरे घर के मामलों में इंटरफेयर ना करें तो ही अच्छा है. अच्छा चलिए कोशिश करेंगे प्लीज. यस कम इन. हाँ रख दीजिए उसे. ओके चलती हूं मैं. मिसेस मेहता. जी सर. इफ यू डोंट माइंड, जाने से पहले एक कप चाय बना देंगी मेरे लिए? ठीक है. यस कुमार. सर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो गई है. कैसी प्रॉब्लम? सर वो हमारे पुराने क्लाइंट मिस्टर लखानी ने हमारे नए प्रपोजल और नए इन्वेस्टमेंट प्लान को रिजेक्ट कर दिया है. ओह सर उन्होंने ही कहा था कि उन्हें इन्वेस्टमेंट के लिए नए आइडियाज और नए प्लान चाहिए. हमने इतनी मेहनत की, अब वो कहते हैं कि उन्हें इसकी जरूरत ही नहीं है. समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें. मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, मां का दिल कैसे जीतूं. मेरी समझ में आ रहा है. एक्चुअली कुमार लखानी एंड सन्स बहुत ही पुराने ख्यालात के, पुराने विचारों के लोग हैं. दे बिलोंग टू द ओल्ड स्कूल. और हम अचानक से अपने आइडियाज, अपने प्लान्स जो भी हैं उन पर थोपेंगे तो वो
रेजिस्ट करेंगे। किसी भी सिस्टम को बदलने के लिए सबसे पहले उसका हिस्सा बनना बहुत जरूरी है, तब जाके तुम वो बदलाव ला पाओगे। तो लखानी इसके साथ भी वही है, पहले उनके सांचे में ढलने की कोशिश करो, समझो उन्हें क्या चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट्स है उनकी, उसके बाद धीरे धीरे एक एक करके अपने आइडियाज, अपने प्लान्स उनकी सिस्टम में शामिल करना शुरू करो। पट से ले लेंगे हम। करेक्ट, संजय की बात मुझ पे भी लागू होती है, मां के साथ मुझे ऐसा ही करना चाहिए। थैंक यू संजय। थैंक यू किस लिए? वो मेरा लीव एप्लीकेशन एक्सेप्ट करने के लिए। थैंक यू। भूल गई, बच्चों के स्कूल से लौटने का वक्त हो रहा है, मैं जा रही हूं। ओके बाय। खुशबू, इतना सब कुछ तो जानती है, तो ये भी बता दे कि ये पढ़ाई की खोज किसने की? क्यों? मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो उसकी मिलकर धुलाई करना चाहते हैं। इतने सारे सब्जेक्ट्स, हे भगवान। खुशबू मुझे एक बात बता, ये सारे सब्जेक्ट जिन लोगों ने बनाए हैं वो सब उनमें पास हुए होंगे या नहीं? पता नहीं। एक काम करती हूँ, थोड़ी देर इधर सो जाती हूँ। यहाँ क्या कर रही हो? क्यों, मैंने क्या किया? क्या किया तुमने? तुम्हें दिख रहा है ये सब क्या है? क्या है ये सब? और यहाँ क्यों लेटी हो? अगर लेट नहीं है तो अपने कमरे में जाकर लेटो। और ये क्या, स्कूल से आती बॉटल उधर, बैग उधर, जूते इधर, ये क्या तमीज है? तुम्हारी माँ ने तुम्हें कोई मैनर्स नहीं सिखाए? अब बार बार मेरी मम्मी पे ताना क्यों मारती है? क्या हुआ? बताने से कोई फायदा होता अब ना? क्या हुआ अमी? ये कोई तरीका है बड़ों से बात करने का? ये गलत है। हर बार गलत मैं ही होती हूँ मम्मी, हर बार गलती अम्मी की होती है ना? मैंने ऐसा तो नहीं कहा। हर बार ऐसा ही होता है, अम्मी ने ये किया, अम्मी ने वो किया, ऐसा हुआ जरूर अम्मी ने किया होगा। अम्मी, खुशबू तुम बताओ क्या किया अम्मी दीदी ने? कुछ नहीं मम्मा, हम स्कूल से आए ना तो आंटी ने आके बोला कि हाथ मुंह धो लो, लेकिन दीदी बहुत थक गई थी तो यहाँ पे लेटी रही, तो आंटी को थोड़ा गुस्सा आ गया था। ये आमी भी ना। लेकिन मम्मा छोड़ो ना, हम जानते हैं कि दीदी कैसी है, लेकिन अब जो उन्होंने कहा है ना वो जाके खुद कर लेंगे। पर प्लीज आप उन्हें डांटना मत, बहुत बहुत थक गई हैं। अच्छा मेरी दादी अम्मा, नहीं डांटूंगी। एक काम करना खुशबू, तू अपनी समझदारी आमी दीदी को दे प्लीज मेरे लिए। अमी ने ये किया, अमी ने वो किया, जब देखो तब मुझे ही सुनाते रहते हैं। सच में ये घर जेल है जेल, और प्रभा आंटी इस घर की जेलर नहीं, हिटलर है हिटलर, बिना मुछो की हिटलर। मम्मी भी जब देखो तब मुझे ही सुनाती रहती है, ये क्यों किया, वो क्यों किया।
कर रहा है कि च्युइंगम उनके बालों में चिपका दूं, फिर टकलू करना पड़ेगा। नहीं नहीं, ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया क्या? मिल गया आइडिया उन्हें सबक सिखाने का। प्रभा आंटी, अब आपको पता चलेगा कि अमी को तंग करने की सजा क्या होती है। आपके दिल में जगह बनाने के लिए मुझे जो भी करना पड़े मैं वो सब करूंगी, और देखना एक दिन आप खुद कहेंगी कि श्रुति मेरी आदर्श बहू है। कहां गया? यहां होना चाहिए। आएगा मजा। अरे रिद्धि बेटा, पैनिक मत हो, आराम से बताना क्या हुआ। मम्मा, मम्मा योगेश की सस्पेंस एक्टिविटीज फिर से शुरू हो गई है। वो घर से सुबह जल्दी निकल जाता है और रात को बहुत लेट आता है। कुछ नहीं बताता है कि कहां जा रहा है, क्या कर रहा है। मुझे पक्का यकीन है मम्मा कि वो मुझसे कुछ छुपा रहा है। अब आप ही देखिए ना कि अभी अभी तो हम दोनों के बीच सब कुछ नॉर्मल हुआ है, और फिर वापस ऐसा करना। आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। लो, अभी इतनी बड़ी मुसीबत से संजय ने उसे बचाया, वरना ये अभी तक जेल में होता। लेकिन ये सुधरने की बजाय बिगड़ ही रहा है, कुछ सोचना पड़ेगा। अरे मेरी बेटी को ऐसे ट्रीट करेगा? अरे तेरी माँ है ना। बेटा पैनिक मत हो। अरे रिद्धि बेटा, तू फिक्र मत करना। ते कोई है यहाँ पे? मम्मा, हेलो, हेलो मम्मा, मम्मा आप कुछ बोल क्यों नहीं रही हैं? अरे हाँ बेटा, सुन रही हूँ। अरे अब ये ब्रश कहाँ गया? अरे रिद्धि बेटा, तू फिकर मत कर। अरे मैं कुछ करती हूँ ना, देख अभी मैं फोन रखती हूँ, मुझे मेहंदी लगानी है। हाँ चल, बाय बाय। अमी,
देख लिया तमाशा तुम लोग ने, तो जाओ अपने कमरे में, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। माँ बाल धोने में मैं आपकी मदद करूँ? मैं खुद कर लूंगी, जाओ अपने कमरे में। मम्मी जी कुछ है, निकलो बाहर, निकलो। तमाशा बना के रख दिया मेरा, जाओ यहाँ से। समझ में नहीं आती मेरी बात। क्या कर रहे हो तुम दोनों? ऐसे किसी पे हंसते नहीं है। मम्मी हंसी तो आपको भी आ रही है ना? कहा ये आ गई। बस बात हो गया। मम्मी कोई कितना भी उपदेश दे दे, ऐसे टाइम पे हंसी आ ही जाती है। बस अभी बस करो खुशबू, बस। लेकिन दीदी कल सबको ना रोना पड़ेगा। क्यों? देखा नहीं प्रभा आंटी कितने गुस्से में, कल सबकी ना क्लास लेंगी वो बराबर। ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं कोशिश करूंगी कि कल सब ठीक हो। जो कोशिश करता है उसे सफलता हमेशा मिलती है। गुड मॉर्निंग श्रुति का। आप बताए ना क्या बात? मुझे उससे कहा संजय ये सब क्या है? अब उमा सुबह जल्दी उठ गया था मैं, तो फिर उठ के काम कर रहा था और फिर अचानक कब आंख लगे पता ही नहीं चला। और जिसकी आंख अभी तक खुली नहीं है उसका क्या? माँ आप चलिए ना, मैं उसे उठाता हूँ। ठीक है, जल्दी से नीचे ब्रेकफास्ट टेबल पर आ जाओ जी। और अगर ये ना उठे तो मैं इस महारानी का नाश्ता यही भिजवा दूंगी। माँ वो माँ वो मैं जानती हूँ, जिम्मेदारियां और फर्ज निभाने की बातें तो सभी करते हैं, जब निभाने की बारी आती है ना तो हो ही नहीं पाता। श्रुति इस घर के कुछ नियम हैं। सब लोग सुबह सवेरे उठ जाते हैं और खास करके इस घर की बहुएं बहुत जल्दी उठ जाती हैं। I'm sorry माँ, आगे से मैं इस बात का ख्याल रखूंगी। बेहतर है।